I am here to teach you mathematics. I thought I can transfer some tricks how to learn mathematics. That's why I choose that I would like to teach you. So without wasting the time, I think I have to start. And you are seeing that the first chapter of mathematics is revision. Revision means whatever you have learned in previous classes, that we have to revise once again. So in this chapter of revision, I have written this first subtopic, means the question related to this subtopic is number name. Number name you have understood in the previous classes, but I would like to tell you once again. Number name kya hote hain? आपने देखा एक नंबर लिखा हुआ है ये 4 2 5 7 3 2. हम इसको ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं कि 4 2 5 7 3 2 हम इसको पढ़े, हम इसको पढ़ते हैं कितने लाख है, कितने थाउजेंड है, कितने हंड्रेड, ठीक है? तो इसको हम कैसे पहचानें कि कितने हंड्रेड, कितने थाउजेंड, कितना क्या? ये आप देख रहे हैं मैंने इसमें कॉमा लगाया है, ये कॉमा नहीं लगे. तो जब भी कोई नंबर आपको दिया जाता है आप पहले उसको कॉमा लगा के सेपरेट करें. क्यों करें ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. सो फर्स्ट यू सी दैट थ्री डिजिट्स आई हैव लेफ्ट, कोई से भी जो नंबर है उसमें से तीन को छोड़ करके मैंने कॉमा लगाया, फिर दो दो के बाद कॉमा लगाया. तो पहले तीन को छोड़ा, वन टू थ्री इनको छोड़ा, कॉमा लगाया, फिर वन टू छोड़ा, कॉमा लगाया. अब एक ही बच गया तो ठीक है, एक ही बच गया. अगर ज्यादा होते तो मैं दो के बाद फिर कॉमा लगाता हूं, इस तरह से आगे बढ़ता. तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया कि कॉमा लगाना है, पहले तीन डिजिट छोड़ना है, फिर दो छोड़ना है, फिर दो छोड़ना है, दो छोड़ना है, ऐसे छोड़ना. अब आपने छोड़ने के बाद क्या देखा ये मैं आपको दिखाऊंगा. सी हियर, इट इज रिटन 732. ये कॉलम जो रहता है 100 और 10 का, आपको सबको पढ़ना आता है कि तीसरे नंबर वाला 100 होता है, तो कितने 100 हुए, 7, और ये कितना लिखा है 32, आपको आसानी से आ रहा है. तो 732 पहली चीज तो आपको पता चला कि 732. फिर बाद में इधर देखिए ये कितना है, ये वाला जो दूसरा 100 के बाद जो रहता है वो 1000 का, तो कितने 1000 है, 25,000. और उसके बाद का वाला जो है वो कितने का होता है, लैक का. तो ये कितने लैक है, 4 लैक. अब आप जब लिखते समय लिखते हैं सबसे पहले का नंबर नेम क्या है. नंबर नेम मतलब किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखना. आप देखिए ये लिखा है फॉर यू आर, ऐसे करके हमने वर्ड्स लिखे हैं. ये होता है न्यूमरल और ये होता है वर्ड्स. तो हमें नंबर में लिखना, इसका मतलब हमें वर्ड्स में इसको लिखना. तो अब आप देखते हैं, मैंने आपको बताया पहला वाला 3 का प्लेस 100 का है, दूसरे 2 का प्लेस 1000 का है, उसके बाद आता है लैक का, और बाद में अगर होते तो वो होता करोड़ का. आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा, पर मैं आपको ये अभी क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको और समझा, ठीक है? तो देखिए हमने देखा कि ये 4 वाला कितने पे आ रहा है, लैक पर. तो हमने इसकी सबसे स्टार्ट में लिखा 4 लैक, ठीक. उसके बाद ये कॉलम कौन सा है, 1000 का, कितने 1000 है, 25,000. तो 4 लैक के बाद मैंने लिखा 25,000. यहां तक पूरा हो गया. अब उसके बाद आपने ये लिया 732, इसलिए उसके बाद लिखा 732, ठीक है? अब मैं इसके बाद दूसरा नंबर लूंगा और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? अभी आपने देखा इतना काफी. यस, द सेकंड नंबर इज 7 8 2 0 0 1. हमने फिर इसको कॉमा लगाया, थ्री डिजिट छोड़ दी, टू डिजिट छोड़ दी, और ये सबसे पहला वाला इधर वाला क्या है, ये तो 100 है, ये 1000 है, ये लैक. तो ये 7 लैक की जगह पर है, इसलिए मैंने लिखा 7 लैक. उसके बाद 82 का है की जगह पर है, 1000 की, देखिएगा मैंने लिखा है 82,000. और इधर 100 पे कुछ नहीं है, केवल 1 है, इसलिए मैंने इसको कोई 100 ना लिख करके केवल लिखा है 1, ठीक है? यस, द नेक्स्ट नंबर इज
7 1 5 4 3 2 अब देख रहे हैं मैंने वही चीज किया कॉमा लगा करके थ्री डिजिट को छोड़ के कॉमा लगाया फिर दो डिजिट को छोड़ के कॉमा लगाया फिर इसको छोड़ दिया पहला वाला 100 वाला है दूसरा 1000 वाला है तीसरा वाला लाख वाला है कितने लाख हुए 7 लाख आप देखिए 7 लाख लिखा ठीक है अब देखिए 1000 में कितने हैं 15 तो इसमें लिखा है 15000 उसके बाद देखिए ये वाला 100 पर है कितने हैं 430 तो 430 तो आप देख रहे हैं मैंने तीन नंबर आपको दिखा दिया ये थ्री नंबर्स वर फॉर योर डेमोंस्ट्रेशन आपको एक खास बात बता दूं आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ये आपको समझाने के लिए लिखा है बस आपको ये रहेगा कि कितने 100 है कितने 1000 है और कितने लाख है ये आपको पता होना चाहिए तो आपने देखा अब आप किसी भी नंबर को कॉमा लगा करके और कितने 100 कितने 1000 कितने लाख इसके बारे में आप लिख सकते हैं ये आपने लाख तक ही नंबर पढ़ा है अब मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको मैं करोड़ 10 करोड़ तक का भी नंबर बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना जाए ये किताब से संबंधित नहीं है लेकिन मैं आपको समझाऊं ठीक है आगे बढ़ते हैं हम हैव वन अ नंबर यू आर सीइंग 1 2 4 5 3 7 8 0 8 ये इतना बड़ा नंबर मैंने आपको दे दिया और पूछा भाई इसको नंबर नेम लिखना है आपने फिर क्या किया वही काम करेंगे थ्री डिजिट छोड़ करके 1 2 3 कॉमा लगाया फिर दो छोड़ा कॉमा लगाया फिर दो छोड़ा कॉमा लगाया और इसके आगे है नहीं तो इतना ही अपन ने रहने दिया और वही प्लेस आ रखे हैं सबसे पहला वाला 100 था फिर ये 1000 था उसके बाद लैक्स था और इसके बाद करोड़ था तो जब हम शुरुआत करेंगे इसको लिखने की यू कैन सी हाउ मेनी करोड्स 12 करोड्स सो आई हैव रिटन हियर 12 करोड़ करोड़ की जगह पर क्या था 12 करोड़ इसलिए मैंने लिखा 12 करोड़ फिर अगला वाला क्या है 45 लाख देखिएगा 45 लाख फिर 1000 वाले पे कितना है 37000 और आखिरी वाला क्या है 808 यही लिखा है अब आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपने ये देखा कि ऐसे करना है लेकिन ये समझने के लिए ही ये सारी चीजें आप जब इसको बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा ये वाला 100 है ये वाला 1000 है ये लाख है और ये करोड़ है तो इसको ऐसे सब लिखने की जरूरत नहीं है जब आप इसको लिखेंगे तो इसको हम मिटा देते हैं और केवल आप ऐसे लिखेंगे नंबर लिखने के बाद कि 12 करोड़ 45 लाख 37000 808 तो ये जो मैंने चीजें दी थी नीचे ये केवल आपके समझने के लिए थी इनको कहीं भी लिखना नहीं है आपने जो क्वेश्चन पहला वाला देखा उसमें भी इसको लिखना नहीं तो मैंने तीन नंबर नेम आपको लिखा है और तीन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ताकि आप घर पे ट्राई करें और घर पे आप पेरेंट्स को भी बोलें कि आपको और बड़े बड़े नंबर दे दें करोड़ तक के क्या आप लिख पाएंगे या नहीं उसको आप ट्रायल जरूर करें तो आपने आज सीखा अभी नंबर नेम कैसे लिखते हैं अब मैं आपको सिखाऊंगा फिगर में या न्यूमरल्स कैसे होता है पहले ये चीज खत्म हुई ठीक है अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड द सब टॉपिक इज राइटिंग न्यूमरल्स वर्ड्स में आपको दिया हो सकता है क्वेश्चन और आपको लिखना है उसको फिगर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है उसका रिवीजन क्या करता राइट इन न्यूमरल्स राइट इन न्यूमरल्स में क्वेश्चन है 651220 ये आपको लिखा है मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा पहले बोला है उसको हम लिखना पड़ेगा तो इसमें पूछा है 6 लाख इसलिए मैंने ये 6 लिख दिया अब उसके बाद कॉमा लगा कि ये प्लेस किसका आता है 1000 कितने 1000 है 51 मैंने लिखा तो 51000 ये यहां तक कवर हो गया उसके बाद लास्ट आया है 220 ठीक तो ये 220 आपको लिखना आता है कोई दिक्कत नहीं है अब सवाल होता है कि कैसे मैंने लिखा है तो पहले तो लैक वाला लिखा
फिर 1000 के लिए दो प्लेस हैं, तो दो प्लेस में 51 आ रहा था, तो दोनों आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, 51,000 हो गया, और उसके बाद 220 आसान है, आपको 200 और ये 20, 220 बना। अब मैं अगला वाला आपको बताता हूँ कि इसको मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि इस पर थोड़ा सा अंतर आएगा। कैसे? पहले बोला है 10 लाख, तो मैंने ये 10 लाख का 10 लिख दिया, कोमा डाल दिया। अब 3000, अब 1000 वाले प्लेस में कितने दो जगह होती है, लेकिन इसमें 3 बोला है, तो मैं आपको केवल 3 नहीं लिखना है, अब 0, 3 मुझे लिखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर 1000 में बोला जाता 15,000, तो आप 15 दो डिजिट आ जाते, लेकिन यहां पर केवल बोला है सिंगल डिजिट वाला 3, इसलिए मेरे को 10 लिखना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो 3000 हुआ और 639, तो ये हुआ 639, मतलब 639, तो ये निम्रल आया। इस तरीके से हम लिखेंगे। मैं आपको 2 एग्जांपल और दे रहा हूं, आप देखिए। कर दो क्या? लिख रहे हो तो लिखने के बाद उसको बंद किया। हाँ, स्टॉप। बस वही है उसको दूसरा। यस, द नेक्स्ट इज 18,60,090। तो 18 लेख सबसे पहले 18, मैंने ये लिखा 18 लाख, दोनों प्लेस ले लिया इसने 18 में। अब लाख कितना बोला, सॉरी 1000 कितना बोला है, 60,000, तो 60,000 में भी दो प्लेस आ गए। अब 100 इसमें है क्या? नहीं है, इसलिए 100 की जगह मैंने 0 रखा, और बाद में कितना है 19, तो ये मैंने 19 लिख दिया। मतलब जो चीज अगर नहीं दे रखी हो उसकी जगह पर आपको वो 0 करना पड़ेगा। वैसे भी लास्ट वाले प्लेस पर 3 डिजिट चाहिए होते हैं, अगर मैं खाली 19 लिखता तो ये गलत हो जाता, इसलिए मैंने 10 लिखा, क्योंकि इसमें 100 नहीं दिया था, इसलिए 100 की जगह पर मैंने 0 लिखा। एक बार फिर देखिए, 18 लाख, ये रहा लाख 18 पूरा आ गया, और उसके बाद 60,000, तो ये 60 दो प्लेस लाख के हो गए, सॉरी 1000 के हो गए, और यहां पर 100 नहीं था, इसके 100 की जगह 0, और बाद में 19 है, ये मैंने 19 कर दिया। अब मैं आपको चाहता हूं कि आप एक और दे रखा है, वो आप खुद करेंगे, वो एक होम असाइनमेंट होगा, और अब आपको इस तरीके से समझ में आया कि कैसे लिखा जाता है। मैं मन से आपको कुछ और अभी यहां पे करके बताऊंगा, पर पहले आप ये देख लें, मैं आपको और इससे बढ़िया भी आपको अब एग्जांपल देके बताऊंगा, उसको आप देखिए। नाउ आई हैव गिवन टू एक्स्ट्रा वर्ड्स एंड द प्रॉब्लम इज इन वर्ड्स एंड यू हैव टू राइट इन न्यूमरल्स। नाउ सी इट, 2,03,003, हाउ विल यू राइट? Answer, I am writing here. How many lakhs? 2. So I am writing directly 2. And how many thousand? 3000. 1000 has 2 places. 2 digit ki jagah rakhi hai. Isliye maine 0 karke 3 likha. To ye 3000 hua. Aur ab kitna hai? Keval 3 hai. To 100 places 0, dash places 0 and only 3. That's why you have to write like this. 2 lakh. And for 3000, 10 and 3, because there are no 2 digits. And here is 3 only, so 100 is 0, 10 is 0, and unit you have to write 3. Next is second one, 7,04,000. 7 lakh, this is the 7 for lakh. Is there any 1000? No, 1000 is not there, that's why 2 zeros for 1000. Is there any 100? No. 10 is also not there, only 4, that's why I have done 4. एक बार फिर देखिए, 7 lakh लिखा है, इसलिए 7 lakh हुआ, 1000 इसमें नहीं दिया है, इसलिए 1000 के 2 0 मैंने लगाए, और यहां पर 100 और 10 भी नहीं है, इसलिए केवल 4 था, इसलिए 100 और 10 के भी 2 0 लगा देते, फिर 4। I hope you understand this. Now you can write any number. One more example I am putting here for assignment. So you have to write that assignment in your copy. And
Here the question is 4,01,000. Now you have to write, how to write 4 lakh, how to write 1,000, and there is no 100, no any other unit, no ones. So what you should do, if nothing is given for a particular place, किसी स्थान के लिए अगर कोई जानकारी नहीं दी हो, आपको जानकारी होना चाहिए कि उसकी जगह हम जीरो रखते हैं। तो अब आप इसको खुद लिख के बताएंगे, खुद आप करेंगे, और कॉपी में आप इसको करेंगे। दो मैंने उसमें असाइनमेंट छोड़ दिए हैं, एक उसमें, तो आपको वो लिखते आना चाहिए और इसको आप करेंगे। तो इस तरीके से दो चीजें मैंने आपको दी। तो आज आपने सीखा है इसमें हाउ टू राइट इन वर्ड्स एंड हाउ टू राइट इन न्यूमरल्स। अगर वर्ड्स में दिया है तो उसको न्यूमरल्स में कैसे लिखना है, और न्यूमरल्स में दिया है तो उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है, ये आपने आज सीखा। मैं आगे आज आपको नहीं सिखा रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपने पेरेंट्स को कहें कि वो हमको कोई सा भी नंबर दे के बताएं क्या हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। अगर आप लिखना सीख गए हैं तो समझिए आपका दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगे। आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, एंड इफ हैविंग एनी ट्रबल we will have interactive class Monday, and at that time I would like to ask you, aap log ko kya dikkat hai, kya samjha? Okay, thank you very much for joining the class.